नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर आपका इस एएमटी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। यहां पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। 32 वीडियो अभी तक बन चुकी है, उसके साथ और भी वीडियोस बनी है। क का की अभी रिसेंटली मैंने खत्म किया है। लास्ट वीडियो हमारी क का की थी, जो दो वीडियो में बनाई गई है। वो क का की बहुत जरूरी है यदि आपको हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है। और मैं सभी वीडियो में कहता हूं कि यदि आपको शुरू से पढ़ना लिखना सीखना है तो शुरू से जाके वीडियो देखिए और आ से हिंदी वर्णमाला से। अभी भी कमेंट आते हैं कि हमें शुरू से वीडियो चाहिए, शुरू से वीडियोस। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले ब्लू कलर का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें वीडियो नहीं मिल पाती शुरू से। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें ए और ई के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम अ आ छोटी बड़ी ऊ और ऊ की सेपरेट वीडियो हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हमारा नंबर है ए और ई का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सभी चीजों का अभ्यास करें और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद। अब जैसे शब्दों के साथ पहले देख लेते हैं। जैसे ये है म, म पे ए लगा और ये लगा तो क्या बना हमारा, मेला, मेला। पर इस पर अगर मैं दो डंडे लगा दूं तो क्या बन जाएगा, मैला। मैला का मतलब क्या होता है, गंदा, गंदा, जो बहुत गंदा हो। और मेला का मतलब जो मेला लगता है, जिसको इंग्लिश में फेयर कहते हैं। तो ये मे का साउंड आया, ये मैया का साउंड आया, मेला, मैला, मैला। समझ रहे हैं, दोनों के अंतर को समझिए। जैसे ये बना केसा, क्या बना, केसा, केसा। और ये बना कैसा, यह स्वाद, इसका स्वाद कैसा है, तो ये क्या बना, कैसा। हमारा कैसा सही है, कैसा सही नहीं है। एक ही आवाज आती है इसमें हल्के से, जैसे मेला, तो इसमें मेला भी सही है और मेला भी सही है, मैला भी सही है। इसी तरह कैसा, कैसा नहीं होता, कैसा होता है, ये हमारा कैसा गलत है। तो आशा आपको ए और ई में अंतर समझ आया होगा। इसमें हल्के से आता है, जैसे मेला, मेला, और मैला, मैं। तो समझ में आया। अब बाकी हम छोटे, जब इसकी, इसका अभ्यास और इसका अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, शुरू से सभी वीडियोस देखिए। अब जैसे छोटे ए को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे ब है, ब पे ए की मात्रा लगी। ए की मात्रा कैसे लगती है, शब्द के ऊपर। कैसे, हम क का की में भी आपको अच्छे से सभी का प्रोनाउंसिएशन आपको बता चुका हूं कि कैसा होता है। ब, ब पे ए, ए की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे ऊपर की तरफ, ब के साथ ए का साउंड, बे र। क्या बना हमारा शब्द, बे र, बेर, बेर खाते होंगे आप। इसी तरह ब पे ए का साउंड, बे, बे ल, बेल, बेल भी पीते होंगे आप, बेल का शरबत। अब के, क पे ए का साउंड, क्या बना, के, ल के साथ आ, क्या बना, केला। इसी तरह क पे ए का साउंड, क्या बना, के, क, केक। इसी तरह घ पे ए का साउंड, तो क्या बना, घे र, घेर, उसको घेर के पीटेंगे, घेर, घेर के पीटेंगे नहीं, कैसे, घेर नहीं होता, घेर। इसी तरह कई के नहीं होता, कई, कई का साउंड ही अच्छा नहीं आ रहा, कैला, कैला नहीं होता, कैला नहीं होता, केला होता है, एक ही साउंड होता है। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करिए, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा। ख के साथ ए की मात्रा, क्या बना हमारा, खे ल, खेल। ख पे ए की मात्रा, फिर के बना हमारा क्या, खे ला, खेला, मैंने खेल खेला। न पे ए की मात्रा, ने क, क्या बना, नेक। हमें नेक दिल इंसानों की जरूरत होती है। तो यहां पे हमारे शब्द क्या बन गए, बेर, बेल, केला, केक, घेर, खेल, खेला, नेक। इसी तरह और कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे शेर, ढेर, झेल, चेला, देर, दबे ए की मात्रा, दे र, देर, मेल, ठेला, ठे ला, ठेला, भेड़, भे र, भेड़, देख, फेर, नजरे ना फेर, सेक। आगे और शब्द देखते हैं, चचेरा, च, चे, रा, चचेरा,
इसी तरह हवेली, ह वे ली। इसी तरह हमारा शब्द बनेगा चमेली, च मे ली। बड़ी ई की मात्रा, इससे पहले की सभी चीजें मैं करा चुका हूं, तो पुरानी वीडियो जरूर जाके देखिए जिस मात्रा में आपको प्रॉब्लम है। सपेरा, इसी से जुड़ा हुआ है। बसेरा, ब से रा, बसेरा। महादेव, म हा दे व, महादेव। ठठेरा, सहेली, स हे ली, सहेली। पहेली, प हे ली, पहेली। चमेली, च मे ली, चमेली। अकेली, अ के ली, अकेली। रमेश, र मे श रमेश। इसी के साथ एक और नाम है मुकेश, मु के श मुकेश। सहदेव, सुखदेव, भवेश, भवेश। और इसी तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी इन शब्दों को मैंने बता दिया, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, इन शब्दों को लिख के देखें। और इसके अलावा और भी नए शब्द भी मैं आप लोगों को बोलूंगा जो आपको इमला होगी, तो उन शब्दों को भी अच्छे से सुने और लिखने का प्रयास करें। और यदि आपको उसमें दिक्कत होगी तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में लिख के दे दूंगा, या उसके लिए सेपरेट वीडियो फिर बना के दे दूंगा। तो अब जो शब्दों को मैं बोल रहा हूं उससे अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, इन्हें भी लिखने का प्रयास करें, और जो नए शब्द मैं बोलूंगा उन्हें भी लिखने का प्रयास करें। जैसे हमारा शब्द बना बेर, बेर, बे ल बेल, के ला केला, के क केक, घे र घेर, खे ल खेल, खे ला खेला, ने क नेक, शे र शेर, ढे र ढेर, झे ल झेल, चे ला चेला, दे र देर, मे ल मेल, ठे ला ठेला, भे ड भेड़, स ह दे व सहदेव, दे ख देख, फे र फेर, से क सेक, च चे रा चचेरा, ह वे ली हवेली, च मे ली चमेली, स पे रा सपेरा, ब से रा बसेरा, सु ख दे व सुखदेव, म हा दे व महादेव, ठ ठे रा ठठेरा, स हे ली सहेली, प हे ली पहेली, च मे ली चमेली, अ के ली अकेली, र मे श रमेश, मु के श मुकेश, भ वे श भवेश। इस तरह से आपने इन शब्दों को देखा, एक ही मात्रा के ये सभी शब्द थे। जो पुरानी मैंने वीडियोस अपलोड करी थी जो बाकी मात्राओं के, उनसे भी जुड़े हुए इसमें शब्द थे। अब फिर से मैं आपको कुछ नए शब्द बोल रहा हूं, उन शब्दों को अच्छे से सुने, उन्हें फिर देखें कि कौन सी मात्रा कहां आएगी, और उन्हें लिखने का प्रयास करें। लिखने का प्रयास बहुत जरूरी है, तो प्रयास अवश्य करें, अभ्यास अवश्य करें। अब जो भी मैं शब्दों को बोल रहा हूं उनको अच्छे से सुने और लिखने का प्रयास करें। खेल, जेल, तेल, बेल, मेल, रेल, मेज, बेर, शेर, देर, ढेर, देश, केश, शेष, मेला, केला, ठेला, चेला, सेवा, मेवा, बेटा, करेला, ठठेरा,
सपेरा, गणेश, बसेरा, नेवला, सपेरा, सवेरा, मेहमान, लालटेन, मेहनत, परेशान, रेलगाड़ी, मलेरिया, देहरादून। तो आशा है इन सभी शब्दों को आप लिखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। जो भी वीडियोस में मैं बताता हूं, शब्दों को लिखने का अभ्यास करें और फिर वीडियोस में ही देखकर चेक करें, क्योंकि जितने भी शब्द मैं बोलता हूं उनका आंसर आपको वीडियो के रूप में फिर से मिल जाता है। तो अभी जितने भी शब्द मैंने बोले हैं इनका आंसर भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, और इनके साथ इन शब्दों के साथ वाक्य बनाने का भी प्रयास करें, क्योंकि आप काफी चीजें आपको सिखाया गया है। और यदि यही चीज आप मुझे भेजना चाहते हैं फोटो के रूप में, मुझे दिखाना चाहते हैं कि मैं आपको अभ्यास कर रहा हूं, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन अभ्यास कर रहा है, आप इस अभ्यास को मुझे फेसबुक आदित्य मोहन ठाकुर पेज पर भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। वहां पे ऑडियो मैसेज भी आप छोड़ सकते हैं यदि आपको ये देना चाहते हैं। मैं उसका रिप्लाई करूं या ना करूं, मुझे पता रहेगा कि ये लोग हैं जो सीख रहे हैं, इसीलिए मैं वहां पर देने के लिए कहता हूं। वहां पर बार बार मैसेज ना भेजिएगा, एक बार मैसेज लिखकर भेज दीजिएगा, मैं उसे देख लूंगा और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ही मात्रा का वीडियो था, पहला वीडियो। अभी दो तीन वीडियो और आएंगे एक ही मात्रा के, ताकि आपको एक ही मात्रा अच्छे से समझ में आ सके सभी चीजें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।